डिग्री दिखाए और खरबूजे बिल्कुल फ्री लेके जाए। अगर किसी के पास डिग्री है तो सामने आ जाए। आधार कार्ड की डिग्री दिखा दी है, चाहे पांचवी की दिखाओ, पांचवी पड़े हुए आप लोग। आ जाओ सभी, आ जाओ, यहाँ पे खरबूजे बिल्कुल फ्री मिलेगा। आइए, चाहे फोन पे दिखाइए, चाहे घर से लेके आइए। ये बच्चों लाए, देखो बच्चों कौन सी आगे पड़ता है। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री जब से मांगी गई है तब से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी द्वारा डिग्री दिखाओ मुहिम की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी मैं आज सार्वजनिक तौर पर अपनी डिग्री दिखाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस मुहिम की जानकारी दी। विधि इसी मामले की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम डिग्री दिखाओ फ्री गिफ्ट पाओ रखा गया है। इस मुहिम के तहत पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा अपनी गाड़ी में गिफ्ट भरकर जहांगीरपुरी ई ब्लॉक मार्केट पहुंचे, जहां हाथों में पोस्टर लेकर वह बोल बोल कर लोगों को बता रहे थे कि जो भी डिग्री दिखाएगा उसे फ्री गिफ्ट में खरबूजा मिलेगा। यह सुनकर लोग डिग्री लेकर आना भी शुरू हो गए। कई लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री लाए तो कई ट्वेल्थ पास की और उन सभी को फ्री गिफ्ट दिया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिग्री दिखाओ अभियान की शुरुआत की जानकारी दी। कहा कि दिल्ली में अब से हर रोज आम आदमी पार्टी के एक नेता अपनी डिग्री सार्वजनिक तौर पर दिखाएगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि डिग्री दिखाओ और फ्री गिफ्ट पाओ। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी लेके आ रहे हैं। कोई पांचवी का सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, कोई कह रहा है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अड़पन नहीं हूँ। जो सच बता रहा है हम उसे भी गिफ्ट दे रहे हैं। आज हम खरबूजे बांट रहे हैं, डिग्री दिखाओ खरबूजे बांटो फ्री पाओ। कल हमने पेन भी बांटे थे, परसों फोल्डर भी बांटे थे। तो अलग अलग जगह, अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर जाके, अलग अलग चौक पर जाके हम ये लोग कर रहे हैं, जागरूकता अभियान फैला रहे हैं कि आप अपनी डिग्री दिखाइए और आपको फ्री। इसमें कारण यही है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिस पर डिग्री है दिखा नहीं रहे, और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन पर डिग्री नहीं है, जो झूठी डिग्री है वो नहीं दिखा रहे, वो जुर्माना कर रहे हैं। तो हम बताते हैं कि वो 8 बजे टीवी पे आए और अपनी मन की बात करें और डिग्री दिखाए। हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि देश की पूरी जनता, देश के पूरे युवा ये पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं देश के युवाओं को शंका हो रही है, देश के बुजुर्गों को शंका हो रही है कि आपके पास फर्जी डिग्री है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, हमारा फर्ज बनता है उनसे पूछना। जैसे मन की बात करते हैं, एक डिग्री पे भी मन की बात होनी चाहिए। तो खरबूजा मैंने इसलिए बांटा क्योंकि जब मैं छोटा था तो एक कहावत थी, खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ रंग हो जाए आज रात को 8 बजे या कल रात को 8 बजे मन की बात में डिग्री की चर्चा हो जाए। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास युवा बच्चे आ रहे हैं, जब लोग दिखाने आ रहे हैं मैं उन्हें जागरूक करना चाह रहा हूँ। मैं टंस प्रधानमंत्री जी पर नहीं कस रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। कल मैं गया विधानसभा मेट्रो स्टेशन पे, बहुत सारे रिक्शे वाले ऐसे थे जो डिग्री लेके घूम रहे थे, वो रिक्शे चला रहे थे। मेरे यहाँ पे एक शख्स छोले चावल बेचते हैं, उन पर डिग्री है, वो छोले चावल भी बेच रहे। मैं दुकानदार था, मैंने साइकिल पे सेल्समैनिंग करी, मैंने छोटी छोटी दुकानें चलाई, दुकान लगाई, रेडी पटरी मैं लगाया करता था, तो मैं काम साबित कर सकता हूँ, किसी को नहीं पता लगा। तो जनता यकीन करना चाहती है, जनता पूछना चाहती है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप मन की बात में डिग्री दिखा दीजिए। देखिए, मेरा एक ही रीजन है, अगर आपके पास डिग्री है तो दिखा दो। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे पांचवी का सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे, आठवीं का सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे, उनपे है इसलिए वो दिखा रहे हैं, वो घबरा नहीं रहे। हमारे देश में जितने रोजगार, जितने युवा है, 90% बेरोजगार हैं। तो इस डिग्री से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो युवा है उन पर डिग्री है, वो बेरोजगार हैं। आपने हमारे युवाओं को कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, पर आपने उनकी रेडी हटवा दी, आपने उनकी दुकानें बंद करवा दी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन पर डिग्री है, ये दिखाना चाहते हैं, आप भी दिखाइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अजय शर्मा बिल्कुल गरीब है। अजय शर्मा शुरू से बिजनेस करता आया, अजय शर्मा 5 साल की 8 साल की उम्र से धंधा करता आया, काम करता आया है। अजय शर्मा ने गरीबी से हर इंसान देखा है। अगर कोर्ट जुर्माना देता है तो मुझे लगता है आज तो अजय शर्मा रोड पर आया है, कल सारा युवा आएगा, कल सारे बुजुर्ग आएंगे, पूरे देश में जुर्माना कर दोगे क्या? आप कर दीजिए। तो देश चाहता है, देश पूछना चाहता है, अगर है डिग्री तो दिखाइए। आज से हम एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, उस कैंपेन का नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। आज से रोज आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्री को देश के सामने रखेंगे और दिखाएंगे। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन में शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी 3 डिग्रियाँ दिखाने से। मैंने अपनी पहली डिग्री बीए
दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। ये मेरी बीए की डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी है जो मैं आप सब के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया, ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, ये उसकी डिग्री है, ये ओरिजिनल डिग्री है। उसके बाद मैंने एक दूसरी मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन में, ये उसकी डिग्री है। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के तहत मैंने अपनी तीनों डिग्रियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी हैं। और आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। और मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि उनके नेता, खास करके उनके वरिष्ठ नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वह जरूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। फिलहाल डिग्री विवाद को लेकर अब सवाल जवाब और नए नए तरीकों से कटाक्ष सड़कों पर भी शुरू हो गया है। दिल्ली से सेजर प्रजापति की खास रिपोर्ट।